प्रतिस्पर्धा के इस दौर में टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस को अगर आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारा ये कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। चलिए सबसे पहले हमें जो डीवीडी ड्राइव मिला है उसे हम अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं। मैंने अपने लैपटॉप में उसे इंस्टॉल कर दिया है अपने डीवीडी ड्राइव को, और देखिए कुछ ही पल में ये रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा डीवीडी ड्राइव शो हो रहा है। चलिए इसे डबल क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। चलिए डबल क्लिक करते हैं इस पर, और चलिए अब इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और देखिए ये मेरा इंस्टॉलेशन जो है प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। जब तक यह इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और अभी और भी बहुत सारे प्रोसेस अभी बाकी है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हमें करना पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। ये डीवीडी ड्राइव से कुछ डेटा को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहा है ताकि कुछ इम्पोर्टेंट फाइल जो है वो इंस्टॉल करने में इनको ज़रूरत पड़ेगा। चलिए ये प्रिपेयर हो रहा है, अब ये चलिए रेडी हो रहा है। अब ये स्कैनिंग कर रहा है हमारे मेमोरी कार्ड को, और देखिए अब ये मुझे देखिए यहाँ पे कुछ मैसेज दे रहा है। अब चाहें तो इस मैसेज को पढ़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो मेरा ड्राइव है वो सी ड्राइव में जाएगा। चलिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं, और देखिए ये मेरा जो है अब इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसेस चालू हो चुका है। बहुत ही फास्ट इंस्टॉलेशन हो रहा है इस मेरे पीसी पे। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अब देखिए मेरा इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको जो प्रोडक्ट की दिया हुआ है वो प्रोडक्ट की आपको यहाँ पे डालना होगा, तब जो आपका एक्टिवेशन होगा आपका एंटीवायरस का। तो प्रोडक्ट की आपका बैक साइड में दिया हुआ रहता है एंटीवायरस के, या फिर किसी किसी में अंदर भी रहता है। तो आपको जहाँ पे दिया हुआ है वो प्रोडक्ट की अपना आप देख लें, जो भी आपका प्रोडक्ट की है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट की जो है वो डालना पड़ेगा। चलिए हम अपना प्रोडक्ट की यहाँ पे डाल लेते हैं जो मुझे मिला है। चलिए डाल लेते हैं हम अपना प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की डालने से पहले आप याद रखेंगे कि प्रोडक्ट की को आप एक्टिवेशन करने के बाद आपके जो एंटीवायरस है इसे अपडेट भी करना होता है। तो आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी पे नेट कनेक्ट कर लेंगे, अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे आप इस पे वाईफाई के जरिए कनेक्ट कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्लिक किए और थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए चेक कर रहा है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है कि परचेज फ्रॉम, ये मुझे कह रहा है कि आपने ये जो एंटीवायरस है वो कहाँ से ख़रीदा है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अमेज़न, मैंने अमेज़न से इसे ऑनलाइन परचेज किया है। तो मैं यहाँ पे अमेज़न लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपका यहाँ पे आप तीन ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर मैं पर्सनल यूज ले लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। एक फॉर्म यहाँ पर खुल के आ जाता है। चलिए हम इस फॉर्म को भर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना नाम यहाँ पे फिल कर लेते हैं, फिर हम अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं जो कि है मेरा shriramkushwaha000@gmail.com। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेते हैं जो कि मेरा ईमेल एड्रेस है, उसी को सेम यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे कॉपी कर देना है। उसके बाद मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर देना होगा। ये सब देना जरूरी है क्योंकि अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर किसी कारण से आपको एंटीवायरस को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना पड़ता है तो रीइंस्टॉल जब आप करेंगे तो प्रोडक्ट की जो ये रहेगा आपका उस समय ये आपको काम देगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा स्टेट है झारखंड। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर अपना सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरा सिटी है दुमका। मैं अपना सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। किधर है मेरा दुमका, ये रहा। चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं।
नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए, क्योंकि ये मेरा मल्टी यूज़र है पैक, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल यूज़र सिंगल प्रोडक्ट की को यूज़ किया है, एक प्रोडक्ट की मेरा भी और अभी रह गया है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये मेरा जो है एक्शन, आज देखिए एक्टिवेशन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। अब देखिए मुझे वैलिड दिया है, वैलिडेशन यहाँ पे मुझे दिया है 14 अक्टूबर 2022 तक के लिए। ये मेरा एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, मेरे वैलिडिटी यहाँ पे दिख रहा है 2022 तक। अब हम इस एंटीवायरस को अपने पीसी पे यूज कर सकेंगे। तो बहुत ही आसान था एंटीवायरस को इंस्टॉल करना। चलिए जैसे ही हम वहाँ पे क्लोज करके अपने स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे कुछ पॉपअप मैसेज ऑटोमेटिक आ जाता है, ये मुझे साइनअप करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम इसे साइनअप कर लेते हैं, क्योंकि साइनअप करने के बाद अगर किस तरह से कुछ प्रॉब्लम होता है तो साइनअप अगर किया हुआ रहेगा तो मेरा डाटा जो है फिर से रिकवर हो जाएगा। चलिए हम साइनअप पे क्लिक करते हैं। कुछ ही पल लगेगा इसे साइनअप होने में, और फिर ये देखिए कितना फास्ट साइनअप हो रहा है, क्योंकि नेट का स्पीड भी मेरा बहुत फास्ट है अभी। चलिए साइनअप कर लेते हैं, कनेक्ट हो रहा है, देखिए सक्सेसफुली हो गया है, मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। विकल टोटल सिक्योरिटी पे इस वीडियो में बस इतना ही।